बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ समर स्किन केयर का एक कंप्लीट पैकेज शेयर करने वाली हूँ, जो कि होममेड है और आसान भी बेनतहा है, आप लोग इजीली कर सकेंगे। ये एक ऐसा कंप्लीट पैकेज है जिससे आप लोगों को बहुत ज्यादा मोटिवेशन भी मिलेगी और झुलसा देने वाली स्किन इस गर्मी में आपकी ट्रीट होगी। समर स्किन केयर रूटीन यूज करने से पहले दो बातें ऐसी हैं जिनको आप लोगों ने अपने पल्लू से बांध लेना है, और अगर आप लोगों ने इन दो बातों को गौर से नहीं सुना और इन दो बातों का अपनी स्किन केयर रूटीन में ख्याल नहीं रखा, तो आप समझ लें कि आप सोने का पानी भी अगर अपने मुंह पर मल लेना तो आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। तो वो दो बातें कौन सी हैं? तो जाहिर है गर्मी है, और इस गर्मी के मौसम में जितना आप लोग अपने चेहरे को गर्मी से, सूरज की तपिश से दूर रखें, उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। चाहे वो किचन की गर्मी हो, चाहे वो डायरेक्ट धूप की गर्मी हो, क्योंकि 80% लोगों के चेहरे पर छाइयां होती ही इस वजह से हैं क्योंकि वो डायरेक्ट धूप में काम कर रहे होते हैं, और साथ साथ वो लोग अपने चेहरे को कवर नहीं करते, घर आने के बाद चेहरे को ठंडा ठंडा कूल नहीं करते हैं, धूप से आकर ठंडे पानी के छींटे नहीं मारते हैं। अगर आप लोग स्किन को ठंडा और कूल रखना चाहते हैं तो चेहरे पर खीरे और आलू का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आलू और खीरा लगाने से ना आपके चेहरे को काफी ज्यादा ठंडक मिलती है। इसके अलावा मैंने अपने चेहरे पर बहुत ज्यादा ठंडे कूलिंग मास्क इस गर्मियों के सीजन में बनाना सिखाए हैं, तो अगर आप लोग उनको बनाकर रख लें या फिर आइस क्यूब्स में जमा कर रख लिया जाए और वापिस आकर धूप से उनको मला जाए तो उससे भी स्किन को काफी ज्यादा ठंडक मिलेगी। आप उन मास्क को अगर क्यूब्स बना के रख लेंगे आपको ईजी हो जाएगा। आप रोजाना दिन में 2 से 3 दफा उन क्यूब्स को लेंगे, आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा और आप लोग पिगमेंटेशन से भी बच सकेंगे। फ्रिज में आप लोग अर्के गुलाब का स्प्रे वगैरह भी रख सकते हैं, वक्तन पर वक्तन उसे निकालिए, उसका स्प्रे करिए, तो उससे भी स्किन पर काफी फर्क नजर आता है। इसके अलावा जैसी गर्मी शुरू होती है हमारी रूटीन वही सर्दियों वाली चल रही होती है, हम लोग कॉफी, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, मिर्च मसालेदार चीजें खा रहे होते हैं। गर्मी में नमक का ज्यादा इस्तेमाल हमारे स्किन पर डिहाइड्रेशन वगैरह कर देता है, और ये सारी गर्म चीजें हमारे अंदर हीट प्रोड्यूस कर रही होती हैं। तो होता ये है कि अंदर से भी हम लोग गर्म चीजें खा रहे होते हैं और बाहर का वेदर भी गर्म होता है, तो ये सारी चीजें मिलकर क्या करती हैं, मेलानिन की प्रोडक्शन करती हैं, और मेलानिन सारी इकट्ठे होकर क्या बन जाता है, झाइयां बन जाती हैं, फ्रिकल्स बन जाते हैं, पिगमेंटेशन बन जाती है, और अगर हम सारी ही चीजों का एहतियात करें तो ओपन पोर्स के इश्यू से भी बचा जा सकता है। और फिर ये सारी गर्म चीजें आपके फेस पर एक्ने, पिंपल बिना वजह के होने लगते हैं, और बाद में क्या होता है, सर्दियों के मौसम में ये एक्ने पिंपल जो गर्मियों में हो रहे होते हैं वो ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। तो ये थे जी दो मेन इश्यूज जो मैं डिस्कस करना बहुत ज्यादा जरूरी समझती थी। आज की स्किन केयर को आप लोग होम मेड समर फेशियल का नाम भी दे सकते हैं। एक ही रेमेडी आपके फेस पर फेस वॉश, स्क्रब और मास्क का काम भी करेगी, क्योंकि भाई मेरी बहनों के पास इतना टाइम नहीं होता फालतू के वो अपनी स्किन को दे, और ना ही इतना फालतू टाइम होता है कि अपनी स्किन केयर पर इतना ज्यादा टाइम वेस्ट कर दें और ये सारी चीजें बनाएं। तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं ऑल इन वन एक ही चीज बना दूं, बहुत सारे झंझट में आप लोगों को ना जाना पड़े। तो भाई स्टार्ट कर लेते हैं आज की रेमेडी, जो कि गर्मी के सीजन में आपकी स्किन पर बहुत ज्यादा बेहतरीन तरीके से वर्क करेगी। आप लोगों ने एक बाउल लेना है और उसमें 1 टेबल स्पून कॉफी के ऐड कर देने हैं। आप लोगों ने कॉफी गर्मी के सीजन में पीना खत्म करनी है लेकिन लगाना खत्म नहीं करनी, तो आप लोगों ने इसको लाजमी ऐड करना है। उसके बाद इसमें आप लोगों ने 1 टेबल स्पून भरकर अर्के गुलाब के ऐड कर देने हैं। ये आपकी स्किन को गर्मियों के सीजन में बहुत ज्यादा अच्छे से एक्सफोलिएट करेगा, आपकी स्किन को क्लीन करेगा, आपके पोर्स को क्लीन करेगा, ये आपके फेस से इम्प्योरिटीज और डेड स्किन सेल्स को खत्म करेगा और एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट साबित होगा। और रोज वाटर का तो आप लोगों को पता ही है, एक बेहतरीन स्किन केयर का पार्ट है। रोज वाटर क्या करता है, स्किन को कूलिंग इफेक्ट देने के साथ साथ स्किन से एक्ने और पिंपल वगैरह का भी खात्मा करने में अहम किरदार अदा करता है। अब ये तो फेस वॉश का काम करेगा, तो हम लोगों ने इसमें कुछ ऐसा करना है कि ये स्क्रबिंग का काम भी कर दे। गर्मियों में आप लोगों ने क्लेंजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग के अलावा
अपनी स्क्रबिंग का भी ख्याल रखना होता है। तो हम लोग यहाँ पर 1/4 चम्मच नमक यूज करेंगे और इसके लिए साथ साथ हम लोग यहाँ पर दूध का इस्तेमाल करेंगे जो कि हमारी हाई से हाई पिगमेंटेशन को दूर करने में बेहतरीन साबित होगा। नमक हमारी स्किन पर गर्मियों के सीजन में एक्ने और पिंपल वगैरह को खत्म करेगा और कच्चा दूध हमने इसलिए डाला है कि वो हमारी नमक की हार्डनेस को खत्म कर उसको सूथिंग बनाएगा। दूध में मौजूद लैक्टिक एसिड हमारे सनबर्न को और अनवांटेड पिगमेंटेशन वगैरह को खत्म करता है। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो इसमें थोड़ा सा टमाटर का पल्प ऐड करें। टमाटर के पल्प का फायदा ये है कि ये ऑयलीनेस को रिड्यूस करता है। आपकी स्किन अगर ऑयली है तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल साबित होता है। तो कुदरती तौर पर सन प्रोटेक्शन का काम भी करता है और स्किन को यूथफुल ग्लो भी प्रोवाइड करता है। अब हमने इसमें ऐसी चीजें मजीद ऐड करनी है जो कि हमारे फेस पर टोनिंग का काम भी करे। आपकी स्किन को कूलिंग इफेक्ट के साथ साथ सूथिंग बनाना भी जरूरी है, इसलिए हम लोग यहाँ पर 1 टेबल स्पून एलोवेरा जेल का एडिशन भी कर रहे हैं। एलोवेरा जेल के इस्तेमाल से चेहरा आपका हर वक्त खिला खिला और खुशगवार भी महसूस होगा। अब आप चाहते हैं कि आपकी स्किन सन से बची रहे तो कोकोनट ऑयल उसका बेहतरीन ऑप्शन है। यहाँ पर मैं 2 से 3 कतरे कोकोनट ऑयल के ले रही हूँ क्योंकि कोकोनट ऑयल में अल्लाह ताला ने कुदरत ऐसी रखी है अपनी कि इसके इस्तेमाल से सनबर्न से बचा जा सकता है। तो अल्लाह ताला ने इसमें बेहतरीन कुदरती खसूसियात रख दी हैं, लेकिन हम लोग डायरेक्ट कोकोनट ऑयल फेस पर लगाना थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, तो जब हम लोग इसको किसी मिक्सचर में ऐड कर लेंगे तो वो हम लोग ईजिली अप्लाई कर सकेंगे और कोकोनट ऑयल पिगमेंटेशन, झाइयाँ, अच्छाइयाँ, मलाजमा को ख़त्म करने में, डार्क स्पॉट्स को ख़त्म करने में बेहतरीन किरदार अदा करता है। अब लगे हाथ ही इसमें ग्लोइंग मास्क की चीज़ें भी ऐड कर देते हैं। अब आप लोगों ने यहाँ पर मास्क के लिए 1 टेबल स्पून मुल्तानी मिट्टी ऐड कर देनी है और ये गर्मियों के सीजन में आप लोगों को कितना फायदा दे सकती है इसका आप लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते। एक तो ये मिट्टी बहुत ज्यादा ठंडी होती है, सभी को पता है। उसके अलावा स्किन पर एक्सेस ऑयल को कंट्रोल करने की बहुत ज्यादा पावर रखती है। मुल्तानी मिट्टी इंतहाई बेहतरीन किस्म की देसी चीज है, नेचुरल चीज है। अगर आप लोगों से को ऑर्गेनिक फेस पर लगाने के लिए कहीं से भी कुछ भी ना मिले तो मुल्तानी मिट्टी उन तमाम चीजों का नेमुल बदल हो सकती है। अब यहाँ पर हम लोगों ने 1 टेबल स्पून दही भी डालना है क्योंकि दही भी हमारी पिगमेंटेशन को खत्म करने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। मुल्तानी मिट्टी हमारे क्लॉक पोर्स को क्लियर करने और इम्प्योरिटीज को रिमूव करने में अहम किरदार अदा करती है और हम मुल्तानी मिट्टी के जरिए स्किन को लाइटन कर सकते हैं और अपनी कॉम्प्लेक्शन को, स्किन के कॉम्प्लेक्शन को बेहतर तरीन बना सकते हैं। आप लोग अगर चाहें तो हर 2 दिन बाद मुल्तानी मिट्टी का खाली दही में मिलाकर लेप लगा सकते हैं। यकीन करें आप लोगों को बहुत ज्यादा बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेंगे। फेस पर अगर आप लोगों ने ऐसा कर लिया ना तो आपके फेस पर पिगमेंटेशन आस पास भटकेगी भी नहीं। अब आप लोगों का यहाँ पर फेस पैक बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से रेडी हो चुका है। आप लोगों ने इसको अप्लाई कर लेना है अपने साफ सुथरे धुले हुए फेस पर। ड्राई होने पर आप लोगों ने इसको ठंडे पानी से वॉश कर लेना है और साफ सुथरी धुली हुई स्किन के आप लोग मालिक बन जाएंगे। ठंडे ठंडे जब आप वाटर से वॉश करेंगे आपकी स्किन बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। अगर आप लोग अपनी स्किन केयर रूटीन में इस मास्क को शामिल करेंगे ना तो आप लोगों की फ्रिकल्स और पिगमेंटेशन जैसी मुसीबतों से बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से जान छुटी रहेगी और आपकी स्किन रहेगी सॉफ्ट, स्मूथ, लाइटन और फ्रेश। और आप लोग मुझे इंशाल्लाह दुआएं देंगे। बहुत ज्यादा उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें। अगर आप लोग मेरा इसी तरीके से साथ देते रहे तो इंशाल्लाह हम लोग फ्यूचर में भी रोज मिलते रहेंगे। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, लेकर आती रहूंगी आप लोगों के लिए इसी तरीके की अमेजिंग वीडियोस। दिस इज मी नादिया मुजम्मिल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय बाय। अपना रखिएगा बहुत ज्यादा ख्याल और मुझे रखिएगा अपनी खास दुआओं में यार।